Good afternoon everyone, welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning. As usual, daily ki tarah, aapke liye all shift analysis ki yahan pe questions ready hain. Kuch important questions jo pehle do analysis mein nahi hue hain, wo yahan pe include honge. To bahut sari information aapko milne wali hai. Jo questions ki detail chahiye hoga, unko hum karenge. Baaki sare question main aapko simply read out karke de rahi hu. Pehle question ke saath seedha yahan pe shuru karte hain. Pehla question aapko diya hai ki RBC का ओरिजिन कहाँ पे होता है, हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है. तो याद रखना है आपको बोन मैरो या अस्थि मज्जा में से हमारे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों ही निकलते हैं. दूसरा क्वेश्चन आपका, सी क्यूकम्बर किस चीज से, कौन से जंतु संघ से संबंधित रखता है. तो समुद्री खीरा किस जंतु से संबंध रखता है, तो एकाइनोडर्मेटा याद रखना है आपको. गोल्ड की परमाणु संख्या पूछी है सोने की, तो 79 तो होता है इसकी परमाणु संख्या, और इसका जो द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान, वो रहता है 196.97. आप इसको सिंपल 196 ही याद कर सकते हैं. फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आपको मेल हार्मोन्स के बारे में पूछा है. मानवों में पुरुष कौन से, पुरुष में कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, ये दो आप याद रखिएगा. पांचवा क्वेश्चन, किसकी मदद से या किस हार्मोन की वजह से पौधे या फूल सूरज की तरफ झुकते हैं, तो ये आप याद रखिएगा यहाँ पे कि ऑक्सिन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा. पोलियो वैक्सीनेशन किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, तो जोनस सेक ने तो पोलियो की वैक्सीनेशन डिस्कवर की थी, लेकिन जैसे कि आपके क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि जो ओरल पोलियो वैक्सीनेशन है, इसको पीने वाली जो दवाई थी वो एल्बर्ट 7 द्वारा डिस्कवर किया गया था. आठवां क्वेश्चन इमेज का है, ये क्वेश्चन पहली बार आ जाया है, उससे पहले कभी भी नहीं पूछा गया था, तो इसके ऊपर एक हम सेशन लेके आएंगे बहुत जल्दी. जो उत्तल लेंस होते हैं, अगर उसमें वस्तु F1 पे रखी जाए तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनेगा, तो इन्फिनिटी अनंत पे आपको याद रखना है. कॉन्वेक्स लेंस में अगर F1 पे वस्तु रखी जाती है तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, जो दिखाई नहीं देती है, ठीक है. नाइन्थ क्वेश्चन, एक्सेलरेशन त्वरण की इकाई, तो मीटर पर सेकंड रहेगी आपकी. दसवां क्वेश्चन और आगे के सारे क्वेश्चन आपकी पीरियोडिक टेबल से जिस तरीके से पूछे गए हैं वो सारे हैं. तो दसवां क्वेश्चन आपका है कि हाइड्रोजन और हीलियम पीरियोडिक टेबल में कौन से आवर्त में रखी जाती है, तो पहला पीरियड आपका करेक्ट है. दूसरा, आपको पीरियोडिक टेबल में कौन से ऐसे तत्व हैं जो अगर हम हथेली पे रखेंगे तो पिघल जाएंगे, तो गैलियम और सीजियम, मतलब हम नहीं पिघल जाएंगे, तत्व पिघल जाएंगे वो, तो गैलियम और सीजियम जो है वो करेक्ट आंसर होगा. बारहवां क्वेश्चन आपका कि मेटलॉइड उपधातु पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में आते हैं, तो अब मुझे, मेरे पास ऑप्शन नहीं थे इसलिए मैंने सारे ऑप्शन जहाँ पे उपधातु ग्रुप, जितने भी समूह में उपधातु आते हैं वो लिख दिए हैं. इसके अलावा कुछ आए तो आपको मार्क करना है वहाँ पे. तो 13वां समूह, 14, 15, 16 और 17, इन चारों पांचों समूह में आपके उपधातु पाए जाते हैं और इसके अलावा किसी में नहीं, ठीक है. पहला बोरॉन से शुरू होता है और ख़त्म ये एस्टेंटाइन पे होता है. तो 13वां क्वेश्चन आपका कि हमारी आवधिक आवर्त सारिणी में कौन सा मेटलॉइड किस आवर्त में नहीं रह, मतलब किस आवर्त में हमारे मेटलॉइड नहीं रहते हैं. फिर से ऑप्शन नहीं है लेकिन आप याद रख लीजिए, पहला और सातवें आवर्त में हमारे कोई भी मेटलॉइड उपधातु नहीं पाया जाता है. 14वां क्वेश्चन आपका कि मेटल्स धातुओं की चौथे पीरियड में, चौथे आवर्त में कितनी संख्या है, तो 13 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका, ठीक है, 13. अगला देखिए 16th क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, सोडियम की बैलेंस कितने होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम के, तो आपको याद रखना है 1. और आपका इससे ऊपर वाला क्वेश्चन, नंबर ऑफ एस ब्लॉक इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो एस ब्लॉक की कितने ब्लॉक होते हैं, आपको ये पूछा है सिर्फ. तो पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, तो दो ही आपको लिखने पड़ेंगे यहाँ पे, दो ही ब्लॉक होते हैं एस, नंबर ऑफ ब्लॉक, तो एस ब्लॉक में आपके कितने ब्लॉक हैं, 2, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप. अगला देखिए यहाँ पे 17वां क्वेश्चन, पीएच पूछा है शुद्ध पानी का आपका, प्योर वाटर का, तो 7 रहता है क्योंकि एच प्लस और ओएच प्लस ओएच माइनस आइन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बराबर हो जाती है. ऑक्टेव थ्योरी, अष्टांग थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, तो न्यूलैंड आपको याद रखना है, न्यूलैंड के द्वारा ये अष्टांग थ्योरी दी गई थी.
19 क्वेश्चन आपका, अगर हम मैकेनिकल एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे तो क्या बचेगा, पोटेंशियल एनर्जी. इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH. मेल क्रोमोसोम्स पुरुष गुणसूत्र की हम कैसे डिनोट करते हैं, तो 44 में जब हम एक्स और वाई जोड़ देंगे तो हमारे ये मेल गुणसूत्र बन जाएगा. 22वां क्वेश्चन आपका, कौन सा फाइलम अपनी जगह से नहीं हिल सकता है, तो सिलेंट्रेटा. सिलेंट्रेटा आपको याद करना है यहाँ पे कि सिलेंट्रेटा अपनी जगह से नहीं हिल पाते हैं. एग्जाम्पल है हमारा हाइड्रा. अगला देखिए क्वेश्चन, लेमन नींबू में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, तो सिट्रिक अम्ल. याद रखिए सिट्रिक अम्ल नींबू में मौजूद होता है. 24वां क्वेश्चन आपको कि अभिसारी लेंस कौन सा है, लेंस पूछा है याद रखना. तो अभिसारी जो लेंस है वो है उत्तल और अभिसारी जो मिरर है वो है अवतल. ठीक है, तो अगर आपको मिरर पूछा जाए तो अवतल लिखिएगा. मिसलेनियस मैंने यहाँ पे एक नई चीज ऐड करी है क्योंकि जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन ना पता नहीं कर पाते हैं. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो आपको पता नहीं हो पाते हैं, तो हमें सिर्फ इसके टॉपिक बताए जाते हैं कि भाई ये टॉपिक आए हैं, क्वेश्चन नहीं पता. तो मेरे ख्याल ये चीज़ ना डालनी ज़रूरी है ताकि आपको कम से कम टॉपिक पता लग जाए. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल जो आएंगे वो भी आप मिसलेनियस में ही हम इंक्लूड कर दिया करेंगे. तो देखिए MGH पोटेंशियल एनर्जी स्थिर ऊर्जा पे आपको पूछा है, काइनेटिक एनर्जी हाफ MV² गतिज ऊर्जा पे आपको न्यूमेरिकल पूछा है, ओम्स लॉ V=RI पे आपको न्यूमेरिकल पूछा है, करंट विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट I=QT जिसका फॉर्मूला होता है उसके ऊपर आपको पूछा हुआ है एक क्वेश्चन, फोर्स की जो फॉर्मूला होती है मास इंटू एक्सेलरेशन एक क्वेश्चन यहाँ से, और उसके अलावा मेटल धातु मेटलॉइड उप धातु लेंस और मिरर की इमेज जो कि आज पहली बार आया है ये क्वेश्चन. इससे पहले अभी तक एक बार भी या तो आया नहीं है क्वेश्चन या हमें नहीं मिला है, तो ये पहला क्वेश्चन जो मैंने आज अलग से देखा है यहाँ पे. ब्लड सर्कुलेशन रक्त परिसंचरण तंत्र को लेके एक क्वेश्चन था, और न्यूटन्स लॉ जिसका क्वेश्चन नहीं मिला है लेकिन न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है वो पूछा गया है जिसमें हमारी मोमेंटम संवेग या फोर्स जो है उसकी डेफिनेशन हमने सेकेंड लॉ से ही ज्ञात की है. ठीक है, आई होप अब आपके आगे दो एक कल और परसों तो आपका एग्जाम है नहीं यहाँ पे सैटरडे संडे, तो आप इन चीज़ों को जिनका मंडे को एग्जाम है वो रिवाइज करें ढंग से, जितने भी टॉपिक हैं उनको पढ़ लीजिए. और आगे आने वाले बच्चों के लिए मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूँ मेटलॉइड्स कौन कौन से हैं आपको पूछे जाएंगे आगे, फॉर्मूले तो आपके रिपीट ही करेंगे जो आज पूछे गए हैं उन्हीं के ऊपर, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक आई के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हीट के ऊपर बहुत जल्दी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा I²R×T. फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को लेके क्वेश्चन आगे आने वाले हैं आपको बहुत अच्छे से, और मिरर इमेजेस अगर आनी शुरू हो गई हैं लेंस की और मिरर की कि किसी भी वस्तु को अगर हम F1 पे रखते हैं वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो उस वस्तु से बनने वाली प्रतिबिंब अगर सामने अवतल लेंस है उत्तल लेंस है अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है उसके हिसाब से इमेज कहाँ बनेगी ये लर्न कर लीजिए. ये आपको एग्जाम में आगे डेफिनेटली पूछे जाने वाले हैं अगर आ जाए हैं. फॉर्मूले याद कर लीजिए इथेनोइक मिथेनोइक कीटोन और ये सारे ग्रुप को लेके, तो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए लिख दी हैं तो ये आप रिवाइज करिए अच्छे से चीज़ों को देखिए. जो डाउट है आप जो वीडियो है उसके नीचे आप कमेंट कर सकते हो, कुछ भी चीज़ को लेके डाउट है जैसे कल 18 चौके 48 हो गया था तो वैसा कुछ डाउट नहीं लिखना है, वो 16 चौके ही 48 होता है ऑक्सीजन को लेके. तो आई होप वाली सारी चीज़ें क्लियर हैं, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है. ऑक्सीजन का जो मॉलिकुलर मास है हमारा वो 18 ना होके 16 होता है, तो आंसर 48 ही आना था और 106 उसका बिल्कुल सही आंसर है जैसे कि आपको कल भी बताया था. तो आप रिवाइज करिए चीज़ों को, डाउट हो तो पूछ लीजिए. वीडियो को आप ज़रूर से लाइक करिए और शेयर करिए आप सेशन को इसको, और अगर आप बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हो तो प्लीज़ करके आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए. ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय.